सभी पति के लिए बहुत ही बड़ी ज्ञान की बात है कि अगर पत्नी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस करती है तो पति को भूल कर भी डाइवोर्स का केस नहीं डालना है, पत्नी से डाइवोर्स नहीं लेना है, अन्यथा पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये किस तरीके से पति का नुकसान हो जाएगा और पत्नी के 125 सीआरपीसी का केस डालने पे डाइवोर्स का केस क्यों नहीं डालना है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो के स्किप नहीं करना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब पत्नी पति से अलग हो जाती है और वो पत्नी अगर गलत होती है तो पति का मकसद होता है उस पत्नी से डाइवोर्स लेने का, पति उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसी एवज के अंदर पति क्या करते हैं, डाइवोर्स का केस डाल देते हैं। और पत्नी भी क्या करती है, पति से अलग होने के तुरंत बाद में 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस डाल देती है। तो इससे पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जिनके मामले ऐसे चल रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है या फिर होने वाला है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि पहले आपने डाइवोर्स का केस डाला है, पत्नी ने बाद में 125 सीआरपीसी का केस किया है, या फिर पत्नी ने पहले 125 सीआरपीसी का केस किया है और आपने बाद में डाइवोर्स का केस डाला है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा करने से आपका नुकसान होगा तो होगा ही, तो इससे आप नहीं बच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ही सतर्क होकर चलना है। पत्नी अगर 125 सीआरपीसी का केस करती है तो आपको डाइवोर्स का केस नहीं डालना है, या फिर आप पहले डाइवोर्स का केस जल्दबाजी के अंदर डाल रहे हैं, पत्नी अगर 125 सीआरपीसी का केस बाद में कर रही है तो इससे भी आपका नुकसान होने वाला है। तो किस तरीके से आपको क्या काम करना है, क्यों आपको डाइवोर्स का केस नहीं डालना है, ये जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप अंत तक बने रहिए। देखो दोस्तों, इस बात की तो आपको अच्छे से जानकारी है कि चाहे पत्नी की ही गलती क्यों ना हो, चाहे पत्नी ही गलत क्यों ना हो, फिर भी हर केस के अंदर पत्नी की सुनवाई ज्यादा होती है, पत्नी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको ज्यादा फायदा मिलता है, जबकि पति की ज्यादा सुनवाई नहीं होती है, उल्टा पति के डांट फटकारे लगती है। चाहे यहाँ पे पति की गलती ना रही हो, उस पत्नी की गलती हो, फिर भी यहाँ पे पति को हर जगह पे सुनना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, पति को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पति के ऊपर मेंटेनेंस भी लग जाता है, यानी कि पत्नी गलत होती हुई भी उसका मेंटेनेंस बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब पत्नी की पूरी पूरी सुनवाई हो रही है, हर जगह पे पत्नी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो आपको ये बड़ी गलती नहीं करनी है। क्योंकि आप ये देखे होंगे, पत्नी जब 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस करती है तो उसके अंदर लिखाती है कि मेरे पति ने मुझे खूब ज्यादा प्रताड़ित किया है, मेरे साथ में क्रूरेल्टी की है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। और फिर अगर आप डाइवोर्स का केस डाल देंगे तो इससे ये इंटेंशन नजर आएगा, ये आपका इरादा कोर्ट के सामने क्लियर हो जाएगा कि आप उस पत्नी को बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं, इसी वजह से आपने डाइवोर्स का केस डाला है। तो फिर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए, यानी कि आपका डाइवोर्स केस डालने से ही ये एविडेंस बन जाएगा, ये ग्राउंड बन जाएगा। पत्नी का भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है और इसकी पालना आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे वहां पे फिर कितनी भी सफाई दे दे, कोर्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। मेंटेनेंस केस के अंदर आपको मेंटेनेंस केस के अंदर मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, इस तरीके से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पहले आपको सतर्क होकर चलना है, फूंक फूंक के आपको कदम रखना है कि अगर पत्नी 125 सीआरपीसी का केस कर रही है तो आपको तुरंत डाइवोर्स का केस नहीं डालना है, पहले वेट करना है, समय आपके पास में काफी होता है, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए डाइवोर्स का केस डाल के, अन्यथा इतना बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। और फिर भी अगर अति आवश्यक सिचुएशन है कि अब आपको पत्नी से डाइवोर्स लेना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा, तब आपके पास में पत्नी की गलतियों के एविडेंस होने चाहिए। तो ये पत्नी की कौन कौन सी गलतियां होनी चाहिए, तो इनमें पहली गलती आती है कि पत्नी एडल्ट्री के अंदर होनी चाहिए। पति के पास में ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिसके अंदर साफ प्रतीत हो कि पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, क्लियरली ये पता चले कि ये पत्नी गलत है, तो ऐसी पत्नी से पति डाइवोर्स ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी भी पति डाइवोर्स का केस डाल सकते हैं, इससे पति का डाइवोर्स हो जाएगा, मेंटेनेंस केस के अंदर भी पति का नुकसान नहीं होगा। अब दूसरा बड़ा एविडेंस पति के पास में ये होना चाहिए, पत्नी की ये गलती होनी चाहिए, अगर पत्नी ने पति के घर वालों के साथ में क्रूरेल्टी की है, पति के साथ में क्रूरेल्टी की है, और क्रूरेल्टी भी डेंजर लेवल की होनी चाहिए, जिसके अंदर पत्नी मारपिटाई कर रही है, सर फोड़ रही है, उनको घर से बाहर निकाल रही है, उनके साथ में अत्याचार कर रही है, यानी कि क्लियरली ऐसी क्रूरेल्टी होनी चाहिए जिससे साफ प्रतीत हो कि पत्नी पूरी तरह से गलत है, तब पति अगर डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तब पति का मेंटेनेंस केस के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बड़ी गलती पत्नी की ये होनी चाहिए कि पत्नी बिना किसी कारण से ही पति से 2 या 2 साल से अधिक से अलग रह रही है, और इस बात को अगर पति पूरी तरह से कोर्ट के अंदर साबित कर सकते हैं तभी पति को डाइवोर्स का केस डालना है, अन्यथा पति को डाइवोर्स का केस नहीं डालना है, मेंटेनेंस केस के अंदर नुकसान हो जाएगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये बहुत बड़ा सवाल आपका आता है कि अगर पति के पास में ये सारे एविडेंस नहीं है
और पत्नी अगर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस करती है तो क्या पति कभी भी डाइवोर्स का केस नहीं डाल सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल पति डाइवोर्स का केस डाल सकते हैं, पर पति को पहले संयम बरतना है। संयम इस तरीके से रखना है कि जब पत्नी का मेंटेनेंस केस का ऑर्डर हो जाए तब पति को डाइवोर्स का केस डालना है, इससे पहले नहीं डालना है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।